Hello students, today we will study about female reproductive structure, that is megasporophyll, and structure and formation of ovule, and also about the formation of megaspore. साइकस में कोन का फीमेल कोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसा हमने साइकस किया में मेल कोन का फॉर्मेशन देखा कि सेंट्रल एक्सिस पर माइक्रोस्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज होते हैं और एक कोनिकल शेप का फॉर्मेशन करते हैं जिसे मेल कोन कहा जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर फीमेल में फीमेल प्लांट में नहीं पाया जाता है। ये मेगास्पोरोफिल्स ही अरेंज होते हैं इस टाइम की एपेक्स पर, तो यानी कि कोन का फॉर्मेशन नहीं होता है साइकस के फीमेल प्लांट में। मेगास्पोरोफिल स्टैम के एपेक्स पर स्पाइरली अरेंज होते हैं, जैसे हमने स्पोरोफाइट में देखा साइकस के में कि उसमें स्टैम के एपेक्स पर स्पाइरली अरेंज या क्राउन की फॉर्म में वेजिटेटिव लीफ का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह से मेगास्पोरोफिल प्रोड्यूस होती है या फॉर्मेशन होता है स्टैम के एपेक्स पर स्पाइरल फॉर्म में। जो मेगास्पोरोफिल हैं वो फ्लैट और डॉर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर हैं और इनकी लेंथ 15-13 सेंटीमीटर होती है। मेगास्पोरोफिल को मॉडिफाइड लीफ भी कहा जाता है। वेजिटेटिव लीफ को स्पोरोफिल कहते हैं, और अगर उस वेजिटेटिव लीफ में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाए और ओव्यूल का फॉर्मेशन हो तो उसे मेगास्पोरोफिल कहते हैं। तो मेगास्पोरोफिल जो है बेसिकली क्या है, एक मॉडिफाइड लीफ है। मेगास्पोरोफिल डिवाइडेड होती है इनटू स्टॉक एंड पिनेट लैमिना। जो स्टॉक है उससे मेगास्पोरोफिल स्टैम से अटैच होती है और स्टॉक के ऊपर एक डॉट लैमिना प्रेजेंट होता है। स्टॉक के लेटरल साइड में ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल का नंबर वेरी करता है 2-10 तक। मेगास्पोरोफिल के स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ ओव्यूल्स के बेसिस पर साइकस की डिफरेंट स्पेसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि साइकस की डिफरेंट स्पेसीज में मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और नंबर ऑफ ओव्यूल भी वेरी करता है। ये डिफरेंट मेगास्पोरोफिल्स हैं जो साइकस की डिफरेंट स्पेसीज में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा में मेगास्पोरोफिल की लेंथ 10-25 सेंटीमीटर होती है। इसका लैमिना डाइसेक्टेड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कटा कटा होता है, और इसमें लेटरल साइड में स्टॉक की लेटरल साइड में 2-4 ओव्यूल्स 2 रोज में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि फोटोग्राफ के ए फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड है साइकस सर्सिनेलिस, जिसमें मेगास्पोरोफिल की लेंथ 15-20 सेंटीमीटर होती है। ये ओवेट टू लेंस्यूलेट होते हैं और इनकी मार्जिन डेंटेड यानी टीथ लाइक होती है। जो एपेक्स है वो एक्यूमिनेट टाइप का होता है और इसमें नंबर ऑफ ओव्यूल्स अप टू 12 तक हो सकते हैं। थर्ड स्पेसीज है साइकस रम्फाइन। साइकस रम्फाइन में 20-25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। इसका शेप ओवेट टू लैंसियोलेट होता है विद एक्यूमिनेट एपिसेस और इसमें ओव्यूल का नंबर 6-10 होता है। फोर्थ स्पेसीज साइकस वैडोमेई है। साइकस वैडोमेई रिजेंबल करता है साइकस ट्रम्फाई से। फिफ्थ स्पेसीज साइकस पैक्टिनेटा है। साइकस पैक्टिनेटा में मेगास्पोरोफिल की लेंथ 15 सेंटीमीटर होती है और लैमिना ऑर्बिक्युलेट विद सिविलेट पैक्टिनेट मार्जिन होता है। इसमें
ओव्यूल्स का नंबर 4 to 6 होता है। इस तरह से साइकस की डिफरेंट स्पेसीज को मेगा स्पोरोफिल के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि मेगा स्पोरोफिल के स्टॉक के दोनों साइड में, दोनों लेटरल साइड में ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसमें ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस और यूनिटैक्लिक टाइप का होता है। ओव्यूल ससाइल और शॉर्टली स्टॉक्ड होता है, या तो स्टॉक अगर प्रेजेंट है तो बहुत छोटा होता है, और ससाइल का मतलब है स्टॉक एब्सेंट, तो या तो स्टॉक एब्सेंट होता है और अगर प्रेजेंट होता है तो बहुत छोटा होता है। साइकस का ओव्यूल लार्जेस्ट है प्लांट किंगडम में। सिमिलरली हमने पढ़ा कि साइकस का मेल कोन भी लार्जेस्ट है प्लांट किंगडम में, एंड ओव्यूल भी प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट है। अबाउट 6 सेंटीमीटर लेंथ और 4 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ लार्ज म्यूसिलस सराउंडेड बाई अ सिंगल इंटरग्यूमेंट, यानी कि ओव्यूल के अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि एक सिंगल इंटेग्यूमेंट से कवर होता है। इंटेग्यूमेंट फ्यूज्ड होता है विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द अपेक्स ऑफ द म्यूसिलस, यानी कि इंटेग्यूमेंट ओव्यूल की बॉडी से फ्यूज होता है सिर्फ अपेक्स पर, जहाँ पर यह फ्यूज नहीं रहता है और माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन करता है। और इसमें न्यूक्लियर बीक का भी फॉर्मेशन होता है अपर पार्ट में, जहाँ पर ओव्यूल बॉडी और इंटेग्यूमेंट में फ्यूजन नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में ही आगे इंटेग्यूमेंट जो है इसमें थिक होता है और डिफ्रेंशिएटेड होता है टू आउटर, इनर एंड मिडल लेयर। आउटर एंड इनर लेयर फ्लैशी होती हैं, जबकि मिडल लेयर हार्ड एंड स्टोनी होती है। म्यूसिलेजिनस कैनाल और टेनन सेल्स प्रेजेंट होती हैं इंटेग्यूमेंट में। इसके अलावा न्यूसिलर बीक का फॉर्मेशन जो माइक्रोपाइलर रीजन में हुआ है वो डिजोल्व होकर के एक चैम्बर या एक केव लाइक फॉर्मेशन करती है, जिसे पोलन चैम्बर कहा जाता है। यंग ओव्यूल ग्रीन होता है और कवर्ड होता है बाय माइन्यूट मल्टीसेलुलर हेयर्स। मैच्योरिटी पर ओव्यूल का कलर रेड और ऑरेंज हो जाता है और जो हेयर्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। ओव्यूल में 3 वेस्कुलर बंडल से सप्लाई होती है, जिसमें एक वेस्कुलर बंडल डिवाइड होकर 2 ब्रांचेस का फॉर्मेशन करता है, और ये 2 ब्रांचेस आउटर और इनर फ्लैशी लेयर में सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का डेवलपमेंट में जहाँ स्टॉक पर ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ की सुपरफिशियल सेल्स डिवाइड होकर एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करती हैं, और ये आउटग्रोथ कंटिन्यूसली डिवीज़न करके ओव्यूल इनिशियल का फॉर्मेशन करती है। ये ओव्यूल इनिशियल डिवीज़न से न्यूसिलस का फॉर्मेशन करती है फर्दर ग्रोथ करके, और इस न्यूसिलस की बेसल सेल्स इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन करती हैं जो न्यूसिलस को कवर करता है। इनिशियली न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट फ्री होते हैं और एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं। लेटर स्टेज में इंटेग्यूमेंट फ्यूज हो जाता है न्यूसिलस से, बिकॉज न्यूसिलस में कंटिन्यूसली ग्रोथ डिवीज़न होता रहता है, जिससे वो अपना साइज इंक्रीज करता है और इंटेग्यूमेंट से अटैच हो जाता है, और फाइनली इंटेग्यूमेंट और न्यूसिलस फ्यूज हो जाते हैं।
अपर फ्री रीजन, जहाँ पर इंटेग्यूमेंट सिर्फ अपर पार्ट में फ्री नहीं होता है, और ये जो अपर फ्री रीजन है वहाँ पर एक स्मॉल अपर्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। मेगास्पोर, इस न्यूसिलस की कोई भी डीपली सिचुएटेड सेल डिफ्रेंशिएट होकर मियोटिक डिवीजन करके डिफ्रेंशिएट होती है और मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। मेगास्पोर मदर सेल को अदर सेल से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है बाय इट्स लार्जर साइज देन साइटोप्लाज्म एंड डोमिनेंट न्यूक्लियस। उसके बड़े साइज की वजह से उसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। इससे मेगास्पोर को बाकी की न्यूसिलस की सेल से डिफ्रेंशिएट किया जाता है और इसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। इस मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे एक लीनियर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। लीनियर टेट्राड में 4 हैप्लोइड मेगास्पोर प्रेजेंट होते हैं। ये 4 मेगास्पोर लीनियर कंडीशन में अरेंज होते हैं। अपर मोस्ट मेगास्पोर, अपर 3 मेगास्पोर नॉन फंक्शनल होते हैं और डिजनरेट हो जाते हैं, जबकि लोअर मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और फर्दर डिवीजन करता है। यानी कि लीनियर टेट्राड में अपर 3 डिजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ लोअर मोस्ट मेगास्पोर फंक्शन रहता है। तो हमने आज पढ़ा कि मेगास्पोरोफिल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मेगास्पोरोफिल कहाँ पर फॉर्म हुई, उसमें ओव्यूल का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, उनका स्ट्रक्चर क्या है, साइकस की डिफरेंट स्पीसीज को हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, इसके अलावा ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, ओव्यूल का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, और फाइनली इसमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट पढ़ा था, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, और इस क्लास में हमने मेगास्पोर का फॉर्मेशन देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के फर्दर डिवीजन से होता है। माइक्रोस्पोर डिवीजन करके मेल गैमेटोफाइट बनाता है, वेयर एज मेगास्पोर डिवीजन करके फर्दर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। थैंक यू।